और विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है थोड़ी ही देर में। नथी का प्रश्नकाल माननीय, अभी अब आपका विषय आएगा तब उस समय उठाइएगा, अभी ये विषय नहीं है, अभी प्रश्नकाल है। देखिए देश भर की सारी विधानसभा और लोकसभा इस बात को मानती है कि जनता के द्वारा उठाए गए प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए देश भर के असेंबलीज में और पार्लियामेंट में सबसे पहले क्वेश्चन आवर लिया जाता है और क्वेश्चन आवर ज्यादातर प्रतिपक्ष का होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उठाए हैं, सरकार उसके लिए तैयार करके आई है, सरकार का जवाब आएगा और जब सरकार का जवाब आएगा तो आप अपनी बात कहिएगा। हर विषय के ऊपर विधानसभा में नियम है, अव्यवस्था अगर आप सोच कर आए कि आपने अव्यवस्था फैलानी है तो हमारे पास उसके लिए कोई विषय नहीं है। मेरा आप देखिए, आप लोग जिस समय जो नियम हो उस समय उसके ऊपर बोलिए, बिना नियम के मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा, किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाए। देखिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं कतई आपके द्वारा इस आचरण की मैं कतई निंदा करता हूं और आप अपने जाकर अपने स्थान के ऊपर जाकर बैठिए, आप अपने स्थान के ऊपर जाकर बैठिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपने स्थान पर बैठिए, जो विषय है उसको रखिए, मैं आपको पूरा अवसर दूंगा सुनने का, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी, आप सुनाइए अपनी बात, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देगी, अगर आप सरकार के जवाब से संतुष्ट ना हो तब भी आपके पास इस बात का अवसर है कि आप अपनी बात को कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग ये सोच कर आए हैं कि आज आपने अव्यवस्था फैलानी है, मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप अपने स्थान के ऊपर बैठिए, जो आपका विषय है बताइए, आप बिना विषय के अगर चर्चा करना चाहते हैं तो इस बात की इजाजत हम नहीं देंगे। विधानसभा नियम से चलेगी, विधानसभा प्रक्रियाओं से चलेगी, विधानसभा शांतिपूर्वक ढंग से चलेगी। कल ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था, सभी राजनीतिक दलों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में कि हम सारे विषय को सुनने के लिए तैयार हैं। आपने भी ये कहा था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात रखिए, सरकार सुनने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, अगर आप अपनी पूरी बात रखिए मैं आपको अवसर देता हूं, आप अपने स्थान पर जाइए, आप अपने स्थान के ऊपर जाइए और अपनी बात कहिए, आप अपने स्थान पर जाइए। देखिए अगर आप इस चक्कर में है कि मैं हाउस एडजर्न करूंगा तो हाउस एडजर्न नहीं करूंगा, मैं हाउस एडजर्न नहीं करूंगा, मैं सारे का सारा जो नियम है उसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया का संचालन करूंगा। प्रश्न नथी का प्रश्न संख्या एक, नथी का प्रश्न संख्या एक, माननीय मुकेश चंद वर्मा अगर अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, बाल पुष्टाहार से संबंधित है, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है, आप प्रश्न पूछिए सरकार जवाब देगी। माननीय मुकेश वर्मा जी प्रश्न नहीं अनुपूरक पूछना चाहते, इसको उत्तरित मान लिया गया। प्रश्न संख्या दो, माननीय संदीप सिंह जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, संदीप सिंह जी आपका प्रश्न है मुख्यमंत्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में, माननीय मंत्री जी खड़े हैं उसका जवाब देने के लिए, आप उसका जवाब सुनिए और अनुपूरक करिए। माननीय मंत्री जी, मुकेश जी, संदीप जी आपके उत्तर से संतुष्ट हैं, उनको कोई अनुपूरक नहीं करना, बैठ जाइए। प्रश्न संख्या तीन, मोहम्मद फहीम इरफान आप तो बहुत एक्टिव सदस्य हैं, आप पूछिए, आपका प्रश्न है
प्रदेश के सामुदायिक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, देखिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने कार्ड दिए सबको, इस बात का अवसर है। आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए, माननीय मंत्री जी खड़े हैं, माननीय उपमुख्यमंत्री जी वो उससे संतुष्ट हैं, वो नहीं पूछना चाहते, आप बैठिए, आपके उत्तर बहुत अच्छे हैं, आज सब लोग उससे संतुष्ट हैं, कितना अच्छा उत्तर आपने दिया। प्रश्न संख्या 4, श्री प्रसन्न कुमार जी। प्रसन्न कुमार जी अगर आप प्रसन्न हो तो पूछिए, आप भी संतुष्ट हैं। प्रसन्न कुमार जी ने छुट्टा जानवरों के बारे में बात कही है, माननीय नेता प्रतिपक्ष छुट्टा जानवरों के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, उनसे निवेदन है कि आपकी चिंता का समाधान आज सरकार करने के लिए तैयार है, आप उसके ऊपर प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं, छुट्टा जानवरों के लिए आपको बहुत चिंता होती है, आपसे निवेदन है कि आप पूछिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट है, उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं पूछना। श्री लालजी वर्मा जी, लालजी वर्मा जी आपका प्रश्न है राजकीय चिकित्सक महाविद्यालयों के लिए, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी खड़े हैं जवाब देने के लिए, आपको अनुपूरक नहीं पूछना, इसका मतलब आप संतुष्ट हैं, धन्यवाद। श्री संग्राम यादव जी आपका विभिन्न सरकारी जिला अस्पतालों से संबंधित है, स्वास्थ्य माननीय मंत्री जी खड़े हैं, कोई अनुपूरक पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, नहीं ऐसे नहीं, आप व्यवस्थित हो जाइए, मैं बिना व्यवस्था का नहीं सुनूंगा, आप व्यवस्थित नहीं होंगे मैं नहीं सुनूंगा, नहीं। संग्राम सिंह जी संतुष्ट हैं, उनको कोई अनुपूरक नहीं करना, आप बैठिए। डॉक्टर रागिनी, डॉक्टर रागिनी आपका प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप अपने स्थान के ऊपर जाइए, ये भी नहीं पूछना चाहती, संतुष्ट है, इसका मतलब सरकार का उत्तर सही है। श्री महेंद्र नाथ यादव, महेंद्र नाथ यादव जी प्रश्न संख्या 9, यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में आपने प्रश्न किया, नहीं आप पहले व्यवस्थित करिए, मैं आपके नहीं सुनूंगा, आप मुख्य सचेतक हैं, आप मुख्य सचेतक हैं, मुख्य सचेतक का काम होता है व्यवस्थित करना, आप मुख्य सचेतक हैं, आपको बोलने का पूरा अवसर दूंगा, 100% अवसर दूंगा, आप पहले व्यवस्थित करिए, आप व्यवस्थित नहीं करेंगे मैं नहीं सुनूंगा, आप मुख्य सचेतक होने के नाते से आपकी जिम्मेवारी है, नहीं मैं नहीं सुनूंगा ना, आप सबको बिठाइए तब मैं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, आप बिठाइए सबको, मैं आपकी सुनूंगा, पूरी बात सुनूंगा, पूरा अवसर दूंगा, जितनी देर आप बोलेंगे उतनी देर सुनूंगा, जितनी देर बोलेंगे आप उतनी देर सुनूंगा, आप अपनी सीट के ऊपर बैठिए, नहीं तो नहीं सुनूंगा ना, आप व्यवस्था भी फैलाएंगे और सुनाएंगे भी, ये नहीं चलेगा। प्रश्न संख्या 10, श्री अतुल प्रधान, अतुल प्रधान, अतुल प्रधान आपने पूछना है, आप संतुष्ट है, श्री अतुल प्रधान भी संतुष्ट है। श्री अखिलेश, इनका प्रश्न है जनपद में जनसंख्या के सापेक्ष सरकारी अस्पतालों की बढ़ती भीड़ के बारे में, ना आप बोलिए मैं आपके सुनूंगा, पहले बोलने का आप व्यवस्था तो बनाइए। प्रश्न संख्या 12, श्री उमा शंकर सिंह, श्री उमा शंकर सिंह आप प्रश्न पूछिए, उमा शंकर जी हैं, हाथ खड़ा करिए अगर है तो, चलिए आप अनुपूरक पूछना चाहते हैं पूछिए, माननीय मंत्री जी अनुपूरक पूछने दीजिए, पूछिए अनुपूरक, आप अपना माइक लगा दीजिए और अनुपूरक पूछने दीजिए, उमा शंकर जी अनुपूरक पूछिए, माननीय मंत्री जी अनुपूरक का जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, नर्सिंग स्टाफ के बारे में आप पूछना चाहते हैं, नहीं। श्री चंदन चौहान, चंदन चौहान नहीं पूछना चाहते। श्री राजेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार प्रश्न संख्या 15 नहीं पूछना चाहते। श्री त्रिभुवन दत्त प्रश्न संख्या 16 नहीं पूछना चाहते। श्रीमती आराधना मिश्रा मोना आप पूछे, अनुपूरक पूछे, नहीं नहीं मणिपुर पे, अगर मणिपुर पे चर्चा होगी, मेरा आपसे निवेदन है आराधना जी, अगर आप मणिपुर पे चर्चा कहेंगी तो कल अगर ये डिमांड आई कि केरल पर चर्चा कराओ तो केरल स्टोरी पे उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं होगी, कल अगर डिमांड आई कि बंगाल के ऊपर चर्चा कराइए तो बंगाल पर चर्चा नहीं होगी, मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी तो फिर पूरे देश के सारे स्टेट की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं करेगी, कल को कोई सदस्य कह देगा कि केरला के बारे में चर्चा करो तो केरला के बारे में चर्चा कैसे करेंगे, कल कोई कहेगा बंगाल के बारे में चर्चा करो तो बंगाल के बारे में चर्चा कैसे करेंगे, मणिपुर की चर्चा नहीं होगी, मणिपुर की चर्चा नहीं होगी, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो विषय उसके ऊपर चर्चा होगी। आराधना जी मणिपुर के ऊपर चर्चा के लिए अगर यहां पर आई डिमांड कि आप केरला स्टोरी पर चर्चा करिए तो केरल पर चर्चा करेंगे, अगर यहां पर डिमांड आई
कि राजस्थान अगर वहां की बात करिए, बंगाल की बात करिए, बंगाल की हिंसा पर चर्चा करेंगे? ये हाउस दूसरे प्रदेशों की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं ना। प्रश्न संख्या 18 पल्लवी पटेल, प्रश्न संख्या 19 पूजा, प्रश्न संख्या 20 हृदय नारायण पटेल, कोई भी सारे प्रश्न उत्तरित मान लिया जाए। प्रश्नों का समय 12:20 तक होता है, क्योंकि 12:20 से पहले सारे प्रश्न उत्तरित मान लिए गए हैं, अतः प्रश्न समाप्त हो गया है, इसीलिए प्रश्नों का समय समाप्त। निधन के निर्देश। अगर आप लोग आज तक लोकतांत्रिक इतिहास में निधन के निर्देश के ऊपर कभी भी अव्यवस्था नहीं हुई, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चले जाइए। लाइए निधन के निर्देश। निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं मैं निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यहां पर पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। अगर आपको लगता है कि पूर्व सदस्यों को निधन के निर्देश पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अव्यवस्था फैलाएंगे तो पूरे देश में इस बात की चर्चा होगी कि निधन के निर्देश पर भी आपने अव्यवस्था करी थी। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए, अपनी सीट पर चलिए ना। मैं निधन के निर्देश लेने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं निधन के निर्देश लेने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं पढ़ूंगा फिर मेरे को इंगित करके आपको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब शांत हो जाए। लाइए दीजिए, आप निधन के निर्देश में भी अव्यवस्था फैलाएंगे। चलिए आप चलिए चलिए चलिए, मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि चलिए। माननीय मनोज जी, माननीय, एक मिनट, आप लोगों में से कौन बोलना चाहते हैं तय कर लीजिए। वर्मा जी आप बोलेंगे कि पांडे जी बोलेंगे कि रविदास जी बोलेंगे, कौन बोलेंगे? मेरा निवेदन सुन लीजिए, मेरा निवेदन। मोना जी मेरी, आप क्या कह रही हैं? मेरा निवेदन, आपकी बात आ गई, मेरी बात सुनिए। अगर आज आपने माननीय सदस्य, आपने कहा कि मणिपुर पर चर्चा करो, अगर कल को कोई सदस्य, कोई भी सदस्य कहेगा कि केरला के केरला सूरी पर चर्चा कराओ तो उचित होगा क्या? अगर आप में से कोई भी सदस्य कहेगा कि बंगाल की हिंसा पर चर्चा कराओ, उचित होगा क्या? दूसरे किसी भी प्रदेश की चर्चा दूसरे किसी भी प्रदेश में नहीं हो सकती, नहीं। उसकी चर्चा यहां पर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से देखिए, ना नियम में है, ना नियमावली में है, ना नियम में है, ना परंपरा में है, किसी दूसरे प्रदेश की चर्चा हम यहां पर नहीं कराएंगे, वो पार्लियामेंट में चर्चा कराएंगे, यहां नहीं होगी। मोना जी बैठ जाइए, मोना जी आपको पता है, और वर्मा जी आपको भी मालूम है, वर्मा जी आपको भी पता है, जो शर्मसार करने वाली देश में और दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, सबको हमने नहीं देखना। हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे ना, उत्तर आज को सबका सबका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है। अगर आप कहें कि अमेरिका में कोई संसार करने वाले देश है उसको भी यहां चर्चा करेंगे तो नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश से जो संबंधित बातचीत होगी उसको चर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जो नियमावली में होगा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अवधेश जी नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश से जो भी विषय होगा लेंगे। मेरी बात सुनिए, फिर मैं यहां पर केरला सूरी की चर्चा कराने के लिए अनुमति दूं क्या? नहीं दे सकता, वो भी नहीं दूंगा। फिर मैं बंगाल की हिंसा के ऊपर चर्चा कराने के लिए बोलूं क्या? वो भी नहीं दूंगा, वो भी नहीं दे सकता, किसी को भी अवसर नहीं दूंगा। आपकी एक गलत परंपरा से कई परंपराएं पड़ेंगी मोना जी, एक गलत परंपरा से कई गलत। अब बैठिए, नो धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य,
श्री सत्तार अहमद अंसारी का 8 जनवरी 2001 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे। श्री सत्तार अहमद अंसारी का जन्म 2 फरवरी 1934 को जिला बिजनौर में हुआ था। उन्होंने बीकॉम एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सत्तार अहमद अंसारी वर्ष 1969 में भारतीय क्रांति दल तथा 1974 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र धामपुर जिला बिजनौर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।